तनाव मुक्ति के 12 टिप्स मैं आपको देने वाला हूं। तनाव मतलब स्ट्रेस, ये बहुत ज्यादा कॉमन है। आज आप किसी को भी पूछ लो, भाई कैसा चल रहा है? नहीं, बहुत टेंशन है बोलता, बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेसफुल लग रहा है। रकुटेन इनसाइट में 2022 इन्होंने एक सर्वे किया, उसमें यह मालूम पड़ा कि 51% स्त्री और 30% पुरुष, इन्होंने बोला कि पिछले 12 महीने में हमको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लगा और कहीं ना कहीं हमको स्ट्रेसफुल लगा। एवरेज उनके स्टडी में पाया गया, एवरेज 34% जो एडल्ट्स है उन्होंने ऐसा बोला कि हमें हरदम के लिए स्ट्रेस लगा। और ये स्ट्रेस ज़्यादा कहाँ लगा? 18 से 44 की उम्र में ज़्यादा स्ट्रेस लगा। 48% लोगों ने बोला कि हमको नींद तुरंत नहीं आती या डिस्टर्ब स्लीप है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। फिर स्ट्रेस के कारण क्या है? स्ट्रेस के कारण है, सबसे बड़ा पहला है फाइनेंस, पैसा कम है या जितना चाहिए उतना पैसा मिलता नहीं है। दूसरा है डेथ, कोई घर में एकदम करीब का व्यक्ति गुजर गया, मर गया, तो उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है। तीसरा है डिवोर्स, फरकत हो गई और डिवोर्स हो गया, अलग अलग रह रहे, तो उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है। फिर नेक्स्ट कारण है जॉब का लॉस होना, मतलब नौकरी चले जाना या धंधा बैठ जाना या धंधा बंद हो जाना। नेक्स्ट कारण है बीमारी, बीमारी है खुद को और उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लोगों को आता है। तो ये मेजर कॉजेज ऑफ स्ट्रेस है। अभी करें क्या इसके लिए? ऐसा नहीं हम बोल सकते कि मुझे स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। आप ये बोल सकते कि स्ट्रेस तो आएगा ही आएगा, मुझे स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना हो सीखा, पावरफुली हूँ मैं, स्ट्रेस से डील कैसा करूँ। तो आपको ये देखना है नंबर एक कि भाई स्ट्रेस कहाँ है, स्ट्रेस अपने दिमाग में है, बाहर जो हो रहा है वो हो रहा है, उससे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो एक तरीका यह है कि भाई जो स्ट्रेस नहीं आना चाहिए ऐसा नहीं बोलना, उसके लिए जो स्ट्रेस आ रहा है, स्ट्रेस आएगा और उसको मैं डील कैसे करूँगा वो देखूँगा। तो फाइंड सॉल्यूशंस, जो स्ट्रेस आ रहा है उसको सॉल्यूशन फाइंड करो, क्या है भाई बताओ, क्या करना है बताओ, सॉल्यूशन देखो। दूसरा है देखना है कि स्ट्रेस अंदर है, दिमाग में है, दिमाग में कौन से विचार चालू है और उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्या हो सकता है बुरे से बुरा, बुरे से बुरा क्या हो सकता है, कम से कम क्या हो सकता है, दोनों भी सोचो और दोनों के लिए तैयारी करो। फिर नेक्स्ट जो है वो आपको फिजिकल हेल्थ अच्छी रखना चाहिए। तो फिजिकल अच्छी रखने के लिए बैलेंस डाइट, बहुत ज़्यादा आप जंक फूड खाते हो, शुगर फैट खाते हो तो फिटनेस नहीं रहता है और स्ट्रेस जल्दी आ जाता है क्योंकि इम्यूनिटी कम हो जाती है। कॉफ़ी और शुगर, कॉफ़ी चाय शुगर ये तो दुश्मन है स्ट्रेस के। दारू और सिगरेट ये भी दुश्मन है स्ट्रेस के, सब कम। नींद 7 से 8 घंटा पक्की होना ही चाहिए। मैग्नीशियम जो है, ऐसा पाया गया है स्टडीज में कि मैग्नीशियम कंटेनिंग जो एलिमेंट्स है, पदार्थ है, वो खाना चाहिए या फिर मैग्नीशियम सप्लीमेंट लेना चाहिए। आपको स्ट्रेस मैनेज नहीं हो रहा है तो डॉक्टर की मदद ले लो, कंसल्ट करो। आप हमें ऑनलाइन कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं और सॉल्यूशन ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा होता है तो कुछ मेडिसिन खा सकते हैं स्ट्रेस कम करने की, ताकि आपको नींद अच्छी हो जाती है तो आपको अच्छा लगेगा। फिर आप टू डू लिस्ट बनाओ। क्या होता है कि बहुत ज़्यादा काम दिमाग में है तो समझता नहीं क्या करना क्या करना क्या करना, ऐसा डिस्टर्ब हो जाता है। तो टू डू, मेरे को एक ऐसे 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 काम करना है और फिर उसका शेड्यूल बनाना कि कौन सा काम कब करना है और वो समय पे वो काम करना, आपका स्ट्रेस ही खत्म हो जाएगा। मतलब शेड्यूल बनाना जरूरी है। नेक्स्ट है कि आप दोस्त बनाओ जिनके पास में आप अपना मन हल्का कर सकते हैं। मेडिटेशन रेगुलरली करना ये बहुत जरूरी है। मैं सेल्फ हिप्नोसिस रेकमेंड करता हूँ, सेल्फ हिप्नोसिस रेगुलरली करना चाहिए, मेडिटेशन रेगुलरली करना चाहिए, जिससे दिमाग बहुत शांत रहेगा। और आखिरी का है सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट कि आप एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज आपको फिटनेस की तरफ लेकर जाएगी और छोटा मोटा स्ट्रेस आएगा तभी आप हिलेंगे नहीं, क्योंकि स्ट्रेस जो है उससे बहुत ज़्यादा मानसिक और शारीरिक बीमारियाँ होती है। शारीरिक बीमारियों में ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ना, डायबिटीज जल्दी हो जाना, अस्थमा दमा लगना, कोई भी बीमारी जल्दी पकड़ लेना, ऐसा होता है स्ट्रेस से। क्योंकि स्ट्रेस जब आता है तो एड्रेनलिन और स्टीरॉयड ये हॉर्मोन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा होते हैं और वो हार्मोन अपने शरीर को घातक है, वो बीमारियाँ लाते हैं। हमको कौन से चाहिए? हमको 4 देवदूत चाहिए। देवदूत कौन से हैं? 4 डोपामिन, ऑक्सीटोसिन,
एंडोर्फिन्स, सेरोटोनिन, ये चार देवदूत है, वो ज़्यादा मात्रा में आना चाहिए। क्या होता है कि स्ट्रेस आ गया कि ये देवदूत चले जाते हैं और सैनिक आते हैं, सैनिक नहीं होना है। तो इस तरह से आप करते तो स्ट्रेस कितना भी रहे तभी उसको आप कोप कर सकोगे। जो कॉज है स्ट्रेस का उसको भी डील करो, कौन सा कॉज है उसको आप डील करेंगे डेफिनेटली वो स्ट्रेस निकल जाएगा। नहीं तो फिर बाकी ऊपर ऊपर के आप कोई करेंगे कि चलो भाई ऊपर ऊपर ही इलाज कर रहे हैं मगर कॉज नहीं निकाल रहे तो फिर फ़ायदा क्या है। तो कॉज भी निकालना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। काफ़ी बार हमारे पेशेंट्स ऐसा हमें पूछते हैं कि हमें सिल्डेनाफिल मतलब वायग्रा टाडालाफिल ऐसी एलोपैथी की दवाई नहीं होना और हमें आयुर्वेदिक चाहिए। तो मैंने स्पेशली यह ब्रांड बना के लिया हुआ है हॉट स्टेमिना, तो स्पेशली मैंने बोल के बना के लिया हुआ है कंपनी के तरफ से। ये कैप्सूल है, ये 10 कैप्सूल्स है और ये पूरा डब्बा मिलता है। तो इसमें मेनली जो है जो काम का है वो है गोल्ड है, इसमें गोल्ड मतलब सोना, शिलाजीत, मुसली, केसर एंड शुद्ध मकर ध्वज। ये हॉट स्टेमिना करके ये नाम से मिलता है। ये आपको ये चाहिए तो आप नीचे जो लिंक दी हुई है उसके ऊपर क्लिक करके आपका ये पैक आप ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, ताकत आएंगी, विगर, वाइटलिटी बढ़ेंगी, जोश, जुनून, उत्साह आएगा। थैंक यू वेरी मच।